हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना काल में बिहार में चुनावी चाल। जी हां, कोरोना संकट के बीच बिहार में आज राजनीति के मैदान में बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली करेंगे, जनसंवाद रैली। नीतीश कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी और जेडीयू बिहार में अपने काम पर ताली बजाएगी, तो वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में थाली बजाकर बीजेपी जेडीयू सरकार की नाकामियां गिनाएगी। तो सियासत पूरे जोरों पर चुनाव को देखते हुए सवाल यही कि इन राजनीतिक दलों की प्राथमिकता आखिर है क्या, कोरोना से लड़ना या फिर चुनाव। तो हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। शहनवाज हुसैन जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, संगीता तिवारी मेरी सहयोगी कार्यकारी संपादक भी मुझसे जुड़ेंगी, संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आप सभी से इस चर्चा की शुरुआत करूंगी कि इन राजनीतिक दलों की प्राथमिकता है क्या। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। इस वक्त आज जिस तरह से अमित शाह रैली करने वाले हैं, लेकिन वो डिजिटल होगी, इसलिए पटना की सड़कों पर भीड़ नहीं दिखेगी, कोई बैरिकेडिंग नहीं होगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो जाहिर है कि लोग जो हैं वो सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। और इसलिए ये जो बिहार संवाद जनसंवाद दिखाया गया है, ये एक पोस्टर है, और उसके ठीक बगल में गरीब अधिकार दिवस जो आज ही 11 बजे दिन में शुरू होगा, जिसमें तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाली कटोरा बजाएंगे इस बिहार जन संवाद के विरोध में। और तीसरा पोस्टर जो दिख रहा है वो अभी अभी लगा है सुबह में ही, और इसमें लालू यादव दिख रहे हैं बगल में शहाबुद्दीन, और उनके दूसरी तरफ दिख रहे हैं राजबल्लभ यादव, और सीधे तौर पर लिखा है कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली। ये किसने लगाया है इसमें किसी का नाम नहीं, जैसे बाकी में बीजेपी और आरजेडी के नेता भी दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नेता नहीं दिख रहा है। ये माना जा रहा है कि ये जेडीयू के तरफ से लगाया गया है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, और इसी के जरिए इसमें भी कूद रहे हैं पप्पू यादव, जो बिहार बचा लो मौका है, ये भी आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है, और वो भी उस वक्त में जिस समय में तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर आएंगे ताली बजाते हुए और साथ में थाली कटोरा बजाते हुए। ये कुछ हो रहा है बिहार में, जाहिर है डिजिटल जमाना है और कोरोना है, तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम अभी और देखने को मिलेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो सभी राजनीतिक दलों ने शुरुआत कर दी है, बिगुल फूंक दिया है, आने वाले चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। शहनवाज हुसैन से मैं शुरुआत करूंगी। शहनवाज हुसैन जी, क्या प्राथमिकता इस समय है? रोजगार, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है कोरोना के चलते हुए, कोरोना से लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और साथ साथ चुनाव की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। शोभना जी, सही कहा आपने, कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन हमने तो एक ही बात कही है, हमारी सरकार के एक साल पूरे हुए उसकी उपलब्धियां बताने का काम है। जनता को मालूम होना चाहिए ना, हमारे विरोधी तो सुबह से शाम तक सिर्फ गुमराह करने में लगे रहते हैं। तो आज कोरोना को ध्यान में रखकर ही तो ये जनसंवाद है। अगर कोरोना का संकट न हुआ होता तो बाजाबते हम लोग अमित शाह जी को बिहार ले जाते, वहां कार्यक्रम करते। वो गृह मंत्री बनने के बाद एक कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद तो कोरोना का संकट आया, और वहां पर वो जा रहे हैं, इसमें किसी को थाली पीटना या छाती पीटने की क्या जरूरत है। आप अपना कार्यक्रम कीजिए। तेजस्वी यादव जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ दौरा कर रहे हैं, हमने कब किसको रोका। राहुल गांधी जी रोज लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी उद्योगपति से, किसी अमेरिका वाले से, किसी लंदन वालों से, किसी व्यक्ति से वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो करें तो कोई इतराज नहीं। और अमित शाह जी अगर लाखों लोग उनसे जनसंवाद में शामिल हो, उस पर बहुत इतराज हो गया, ठीक है, कोई नहीं रोकता। हमारे आऊंगी शहनवाज हुसैन, किसी को इतराज हो जाता है जी। आऊंगी शहनवाज जी, एक बार फिर आऊंगी आपके पास। बहरहाल मैं फिलहाल इस समय ग्राउंड रिपोर्ट ले लेती हूँ। प्रकाश वहां पर मौजूद है फील्ड में, पटना में। प्रकाश, किस तरह की तैयारियां थाली पीटने की, कटोरा पीटने की चल रही हैं इस समय आरजेडी की? बिल्कुल, हम आपको पीछे दिखाते हैं, ये जो
जगह है वो तेजस्वी यादव यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। ये राबड़ी देवी का आवास है, 10 सर्कुलर रोड। यहाँ पर तैयारी हो गई है, बैरिकेडिंग है सामने में जहाँ मीडिया के लोग रहेंगे, और दोनों तरफ से रस्सी लगा दी गई है ताकि कोई बीच में ना आए। और दरवाजा जो पीछे देख रहे हैं वो खुलेगा, और वहां पर ही लोग खड़े होकर के तेजस्वी यादव और अपने साथ अपने परिवार के लोग भी रहेंगे और खाली कटोरी ये पीटेंगे। ये जो आह्वान किया गया है कि आज के दिन जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि थाली पीटा जाएगा, क्योंकि वो अमित शाह की जो रैली डिजिटल रैली हो रही है वो उसके खिलाफ है। उनकी मांग है कि डिजिटल जरिए से आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं, आप उनको भूखे रहने देते हैं। जो जी हाँ बिल्कुल, वो एक बस एक रथ है जिस रथ पर तेजस्वी यादव जाते हैं वो पीछे लगी हुई है, और वहां से जो गीत है लगातार बजाए जा रहे हैं। एक माहौल जो तैयार किया जा रहा है ताकि चारों तरफ से ऐसा लगे कि कुछ यहाँ पर होने वाला है, तो वो माहौल तैयार करने के लिए जिस रथ से वो जाते हैं उसमें बजाया जा रहा है, और यही आवाज के जरिए जो है वो अपनी बात रखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर मीडिया से उसके बाद कुछ देर बाद बात करें और बताएं कि क्या रहा, कैसा सफल रहा, क्योंकि पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि अपने घर के बाहर भी थाली कटोरा जो भी है वो पीटे, और जिनके पास थाली नहीं है वो केले के पत्ते को ही पीटे। तो उनका ये नजरिया है कि बहुत सारे लोग जो इतने गरीब हैं कि उनके पास थाली तक नहीं है, तो ये जो कहा जा रहा है इसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी का मैं रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मेरे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, बीजेपी तो कह रही है कि आप तो छाती पीट रहे हैं, थाली तो सिर्फ नाम है, छाती पीटनी चाहिए। देखिए, बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी का गरीब विरोधी चेहरा इस संकट काल में, आपदा की घड़ी में बिहार की 12 करोड़ जनता ने देख लिया। इस तरह से बीजेपी ने मजदूरों के साथ व्यवहार किया और मजदूरों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कितने मजदूरों की मौत हो गई, मजदूरों का, गरीबों का थाली खाली है, इसका जवाब शहनवाज भाई नहीं दे पाएंगे। तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी को जितना गाली देना है दे दे, लेकिन बिहार की जनता की, गरीब जनता मजदूर का थाली में भोजन दे दे, हमारा तो यही प्रतिकार है। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन उन गरीबों मजदूरों को गुंडा बता रहे हैं। सरकार ने पत्र जारी किया था, वो तो बाद में भूल सुधार किया था कि ये जो मजदूर आए हैं, गरीब आए हैं, ये अपराधी हैं, ये गुंडे हैं, इनको रोजगार सरकार नहीं देगी, इसका प्रतिकार हम लोग कर रहे हैं। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, यही तो हमारे नेता की यूएसपी है। बड़े लंबे समय सत्ता में रहे हैं, काश उस समय गरीबी दूर कर ली होती तो आज बिहार की स्थिति कुछ और होती, जो आरोप आपके ऊपर लगातार बीजेपी जेडीयू भी लगाती रहती है। संगीता तिवारी जी मेरे साथ। हाँ ठीक है, अगर वो 15 वर्षों में अब से कुछ थोड़ी बहुत भूल हुई, थोड़ी बहुत इन लोगों ने दुष्प्रचार, ऐसी आती है सर आप लोगों की बातों पर, एक जनता ने हमें सबक सिखाया, लेकिन अब तो 15 वर्षों का जवाब इनको देना होगा ना। ठीक है, 15 वर्षों से ये लूंगी, लूंगी। मृत्युंजय जी, इन्होंने क्या किया? जेडीयू बीजेपी के 15 वर्षों का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। फिलहाल मैं, मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी, इस समय काम तो बेरोजगारी से लड़ने पे होना चाहिए था, जो कोरोना का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर काबू करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन सियासत पूरे जोर पर है। अच्छा ये नहीं होता कि ये राजनीतिक दल इस समय चुनाव आयोग से कहते कि चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए, हमें कोरोना का डटकर मुकाबला करना है? देखिए, दोनों ही जो पक्ष हैं वो जो उनको एक मौका मिला है उससे उसको आगे बढ़ करके लेना चाहते हैं। अगर आप आरजेडी के नजरिए से देखिए तो कोरोना संकट ने एक तरह से उसको मौका दिया है कि वो आरजेडी गरीबों की आवाज बनके, मजदूर जो वापस लौटे हैं बिहार या जिस तरह की जो दिक्कत है वहां पे, उसकी आवाज बनके सामने आए, जिसकी कोशिश लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं अगर आप देखें तो पिछले दिनों में। वहीं पर बीजेपी गठबंधन, नीतीश कुमार गठबंधन जो है जेडीयू बीजेपी, उसके लिए मौका है, क्योंकि देखिए उनको अपना काम तो जोड़ना ही है, बताना ही है, साथ ही साथ उनको मौके का फायदा उठाना है कि अभी विपक्ष में उनके कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि बहुत मजबूती के साथ लोगों के मुद्दे उठा सके और उनको घेर सके। तो अगर आप देखें तो जेडीयू गठबंधन के पास दो मजबूत चेहरे हैं, जबकि आरजेडी जो है वो सिर्फ तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही सारा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि युवा चेहरा है और वो नए तरीके से गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं।
बिल्कुल, आप बनी रहिए। संगीता जी ने बहुत बड़ा पॉइंट रखा है कि विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा इस समय दिखाई नहीं दे रहा है जो नीतीश कुमार और सुशील मोदी से सीधी सीधी टक्कर ले, और इसीलिए गरीबों का मुद्दा उठाया जा रहा है। कोरोना काल लेकिन बिहार में चुनावी चाल पूरे जोरों पर है। मेरे साथ संजय कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं और तमाम सियासी दलों के नेता भी मेरे साथ इस समय मौजूद है। संजय कुमार जी, क्या गणित आप देख रहे हैं? जैसा कि संगीता जी कह रही हैं कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मजबूत चेहरा नहीं है, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द पूरी सियासत चल रही है आरजेडी की, क्या जेडीयू और बीजेपी के लिए एक बार फिर मजबूत मौका? बिल्कुल आपने सही कहा, एक बार फिर से बीजेपी और जेडी के लिए एक मजबूत मौका है। अगर आप देखेंगे पिछले कई चुनाव को तो बिहार के विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव दो खेमों के बीच होते रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ आरजेडी का गठबंधन हो रहा है। अगर आप देखें आरजेडी गठबंधन के बीच में भी, आरजेडी में तो बिल्कुल एक स्पष्ट चेहरा है तेजस्वी यादव के रूप में, लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या आरजेडी गठबंधन के बीच में भी उनके नाम पर सहमति है, तो इन दिनों जो खबरें आ रही हैं उससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आरजेडी के अंदर में तो एक कंसेंसस है, लेकिन आरजेडी प्लस अगर गठबंधन की बात करें तो उसके अंदर में भी ये कंसेंसस नहीं है कि तेजस्वी यादव ही उनका चेहरा होंगे। तो एक तरफ विपक्ष जो एक तरह से जिनकी पकड़ अगर पिछले चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं पड़ती, और उसके बावजूद गठबंधन के बीच में ये मतभेद दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी और जेडीयू को देखें और उनके पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को देखें तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और एक संगठित रूप से वो दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आज की स्थिति को देखें तो निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आने वाला जो चुनाव जो अगले 2-3 महीनों में होने वाला है उसमें उनकी जीत मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हाँ, संजय जी एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी। और सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से पटना में पानी भर जाता है, चमकी बुखार के चलते बच्चों की मृत्यु हो जाती है और अब कोरोना में भी बिहार सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये मुद्दे जनता के वोट पर असर नहीं डालेंगे? नहीं, ये मुद्दे असर डालेंगे, लेकिन चमकी बुखार का आपने जिक्र किया, पटना में पानी भर गया उसका जिक्र किया, ये जनता की इन सब चीजों के बारे में याददाश्त बहुत छोटी रहती है, थोड़ी रहती है, वो सब लोग भूल गए होंगे। कोरोना के बारे में जरूर याद रहेगा, ये मजदूर जो शहरों से पलायन होकर के वापस बिहार आए हैं, इनको जो तकलीफें झेलनी पड़ी और खासकर जो क्वारंटाइन सेंटर में जो हाल है बिहार में, उन सब चीजों का असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों गठबंधनों के वोट का प्रतिशत का फासला देखें, इन सब के कारण जेडीयू गठबंधन आरजेडी गठबंधन को इजाफा होगा, उसको फायदा दिखाई पड़ेगा, लेकिन इतना फायदा दिखाई नहीं होगा जिससे कि जेडीयू गठबंधन चुनाव हार जाए और आरजेडी गठबंधन जो है चुनाव जीत सके। तो इन सब चीजों का असर दिखाई पड़ेगा। आरजेडी की स्थिति पहले से बेहतर होगी लेकिन इतना बेहतर नहीं कि वो चुनाव में अपनी विजय हासिल कर सके। कोरोना काल में बिहार में चुनावी चाल, सीधा मैं रुक कर लेती हूँ राजीव रंजन जी का, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी, कब तक आरजेडी के 15 साल को गिनते रहिएगा? हिसाब किताब तो आपको भी देना होगा। चमकी बुखार, पटना में पानी भर गया और अब जो श्रमिक तमाम लौट कर बिहार में आ गए हैं, कैसे मुकाबला कर पाइएगा? देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी एक परफॉर्मर है और 15 वर्षों में उन्होंने बिहार में डिलीवर किया, किसी भी अलायंस के जीत की गारंटी है। जिस अलायंस की अगुवाई की उस अलायंस को बिहार की जनता ने हाथों हाथ लिया, और केवल इसलिए कि बिहार की समकालीन राजनीति में नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है और एनडीए जनता की भावनाओं के अनुकूल और एक स्वाभाविक गठजोड़ है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि राजद या उनके सहयोगी दलों की बिहार में कोई चुनौती उनके सामने टिक पाएगी। 15 वर्षों का हिसाब मांगने वाले लोगों से बिहार की जनता ने इस पोस्टर के जरिए पूछ लिया है। ये जनता दल यूनाइटेड का तो ये आधिकारिक पोस्टर नहीं है, लेकिन जिस जो चिंतक ने बिहार में यंत्रणाओं का वो दौर देखा होगा, नरसंहारों का वो दौर देखा होगा, जातीय हिंसा, इलाकाई क्षत्रपों और समानांतर सरकारों का जो कहर बरपा है उस दौर में। राजीव जी, मेरी वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ी हुई है, संगीता जी। संगीता जी को सुन लीजिए, वो कुछ पूछना चाहती है। राजीव जी, संगीता जी कुछ पूछना चाहती है, आइए संगीता जी। राजीव जी, जिन यातनाओं के दौर की आप बात कर रहे हैं, पोस्टर का हवाला दे रहे हैं, उन यातनाओं के दौर की बात आप पिछले विधानसभा चुनाव में कैसे भूल गए थे? उसी लालू यादव के चुनाव प्रचार के जोर पे आपके गठबंधन को इतनी सीटें मिली, उस समय यातनाओं का दौर आपको नहीं याद था?
ये तो सुविधा वाली राजनीति हो गई। पहले संगीता जी आपने एक वाजिब सवाल उठाया है, लालू प्रसाद जी सजायाफ्ता थे और निश्चित तौर पर लालू प्रसाद जी गठबंधन के किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं होते। नई पीढ़ी से ये उम्मीद जरूर थी कि वो भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं पड़ेंगे, लेकिन IRCTC में जब नाम तेजस्वी यादव का आया उसके बाद जो कुछ है, मैं आपका बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा, राहुल गांधी भी बेनकाब हुए और लालू यादव भी फैसला नहीं बदल पाए और इसलिए वो अलायंस टूटा था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 20,000 करोड़ रुपए आऊंगी राजीव जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, आऊंगी फिर आऊंगी आपके पास।